सूरत देखकर तस्वीर बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन कमाल तो तब है जब अपने खुद की तस्वीर बनाओ। शहर में शादी का माहौल है और सारे फोटोग्राफर बिजी है। मैं तुम लोगों की फोटो कैसे निकालूं ये सोचकर मुझे टेंशन हो रही थी, लेकिन तुम लोगों ने अपनी फोटो खुद ही बना ली और तुम लोग उसमें फंस गए और तुम सब के सब मुझे मिल गए। हाँ सर, कौन सा फोन बताया था? वो आईफोन। हाँ, आईफोन बताया था। हाँ, जगदीश मार्केट में चोरी के फोन बिकते हैं। सही बोले सर। और कितनी शानदार सेल्फी ली थी। सर सर, ये आइडिया इसका था सर। हट तेरी तू। ऐसा क्या? फोटो अच्छी थी ना सर। हाँ, तभी तो उन लोगों ने डायरेक्ट गूगल में अपलोड करने की जगह सीधे पुलिस में कंप्लेंट कर दी। अच्छा, तो इस वजह से हम फंस गए क्या? चोरी हमारे लिए बिल्कुल नहीं है सर। क्यों, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? सर आप भगवान हैं। पुलिस में आने से पहले आप क्या करते थे सर? चोरी करता था। सेम धंधा यार। इन सब पे थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करो, उठा के सबको अंदर करो। नहीं सर। सर हम हमेशा नए तरीके से ट्राई करते हैं सर, लेकिन किसी न किसी ढक्कन की वजह से हमेशा फंस जाते हैं। तेरी नजर में वो ढक्कन मैं हूँ। सर आप इस शहर में कब तक रहेंगे? क्यों भाई, बहुत तकलीफ हो रही है। तो फिर मैं ट्रांसफर ले लूँ क्या? सुनो गधो, तुम लोग गड्ढा खोदते हो किसी और के लिए और खुद गिर जाते हो, और ऐसा नहीं कि तुम उस गड्ढे से बाहर निकलो लेकिन तुम और अंदर चले जाते हो। हम क्या करें सर, बाहर कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, अब क्या करें? यही मैं भी कहना चाहता हूँ सर कि आपके घर में नहीं थाने में कोई जॉब है क्या? कोई कांस्टेबल की पोस्ट हो या झाड़ू पोछा लगाने वाली, हम कुछ भी कर लेंगे सर। मैं भी एक काम करता हूँ, टोकरी लेकर चने ले लो करता हूँ। चने बेचते हुए आप एकदम मस्त लगेंगे सर, ट्रैफिक सिग्नल पे बेचेगा सर। इस बार तो छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैंने तुम लोगों को चोरी करते पकड़ा ना, तुम्हारी फोटो सारे थानों में लगवा दूंगा और तुम लोग जेल में। गेट आउट। ए भाई, बॉस किधर है? अब उनकी भाभी से बात कर रहे ले। बचपन में तो मलेशिया चली गई और अब तक नहीं आई, इसलिए मैं खुद ही मंगलसूत्र लेकर मलेशिया आ रहा हूँ, ठीक है ना? क्या बोलते हो, आ जाऊं? भाई ये मिलना है। तेरी तो कितनी बार समझाया तुझे, होने वाली दुल्हन के साथ बात करते वक्त डिस्टर्ब नहीं करने का, ढक्कन सबके सब। सॉरी जान। हाँ, वो दुबई वाला याद है? अरे वही दुबई का दामोदर, वो डायमंड लेकर फ्लाइट से यहाँ आ रहा है। जैसे ही डायमंड मिल जाएगा तो मैं तुझसे शादी कर लूंगा। मदर प्रॉमिस। उस शाम की नजर हम लोगों पर है, अगर हम फंस गए तो पासपोर्ट में प्रॉब्लम होगी और मेरा मलेशिया जाना रह जाएगा, इसीलिए एक नया बकरा चाहिए। भाई कल इसने थाने में चार नए बकरों को देखा था। हाँ भाई। हाँ भाई, दिमाग से बहुत चालू लग रहे थे, पुलिस को भी चूरन दे रहे थे, मैंने आंखों से देखा। तो तुम लोग यहाँ बैठकर झक मार रहे हो, जाकर लाओ उसे। हाँ लेते हैं भाई। अपनी होने वाली दुल्हन के लिए अब उन लोगों को मरवाओगे क्या भाई? अरे मेरे उजड़े चमन, अगर उससे काम करवाऊंगा तो शाम को डाउट नहीं होगा। समझ गया ना? समझ गया। तो मैं जल्दी निकल लेके आते हैं भाई। चल। आहा, क्या कड़क खुशबू है। तौबा तौबा, ये मेरी कड़क चाय। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? अभी देखता हूँ, आज इनको बैठने नहीं दूंगा। अरे मक्खियाँ उड़ानी चाहिए, हमें क्यों उड़ा रहा भाई? हाँ कौआ, कौआ था। इनडायरेक्टली मुझको बोला क्या? अबे तुझे ही बोल रहा है। कौआ जब इधर है तो तू उधर क्यों भगा रहा है? वो मेरा फ्लैट है। इसके पास फ्लैट है? भी फ्लैट है भाई। यही है वो लोग, चाय बेच बेच कर फ्लैट बना लिया। सही बोला यार। ये है, ये तो मेरे 2.5 किलो के हाथ के नीचे दब जाएंगे। इनसे मैं डील करता हूँ, जा। ओ भाई, चार चाय देना। और मेरे पैसे? ये ले, जितनी भी चाय पीनी है पिलाते जा। तुम कौन? मैं तुम्हें जॉब देने आया हूँ। जॉब हमने की है, ये सब हमसे नहीं होता है। चोरी करनी है? साथ में सैलरी भी दूंगा। फॉलो मी। अरे चल चल, ये तो बम्पर ऑफर है, अरे जल्दी कर। अरे मेरे पैसे गाड़ी में डालो। ₹1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़ रुपए? भाई अपनी लाइफ तो सेट हो जाएगी। अरे यार डील ओके कर दे। हाँ ओके ओके ओके। देखिए हम आपका काम कर देंगे, वैसे आपके आदमियों ने हमें बता दिया कि हमें चोरी करनी है। इसको सब बता दिया। एक डाउट है, इतने बड़े शहर में हमें ये बम्पर ऑफर क्यों? तुम्हें ये डाउट होगा, ये मुझे भी डाउट हो रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी? मेरे पिताजी का बचपन से एक सपना था कि वो एक महान पॉकेट मार चोर बने हैं।
30 साल की कड़ी मेहनत करके आखिरकार उन्होंने एक पर्स चोरी कर लिया। उस पर्स में सिर्फ 30 रुपए थे। उनका चोरी का सपना पूरा हो गया, लेकिन फिर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। बहुत बुरा हुआ। पुलिस से कुत्ते की तरह पिटने के बाद मेरे पिताजी वहां से भाग गए, और वहां से भागने के बाद मेरे पिताजी कहीं नहीं दिखाई दिए। एक चोर बनने के लिए ये लगन, खुशी, आनंद, उत्साह, मेरे पिताजी के बाद इतने सालों में तुम लोगों में दिखाई दी। इसीलिए ये धांसु ऑफर मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। So sweet. ये तो किसी पुरानी पिक्चर की स्टोरी लगती है। पापा के लिए प्यार। नाम याद आ गया। नाम उसका नाम था। तू चुप कर। सर, आपकी ये स्टोरी में इमोशन देखकर हम दिल से कनेक्ट हो गए। हम ये चोरी करेंगे सर, पर कब और कहाँ करनी है? वेरी गुड। कल दुबई दामोदर दुबई के फ्लाइट से डायमंड लेकर यहाँ आएगा। हाँ। तुम लोग उससे डायमंड चुरा के मुझे दोगे। हाँ। और मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। समझ गए सर। चलो, चलो, तू किधर जा रहा है? पर किस लिए, क्यों? एक मारवाड़ी माल रखकर पैसा देता है। हाँ। ये मेरे पास रहेगा ताकि तुम लोग मुझे धोखा ना दो। नहीं ये डील कैंसिल। चल जा, चल चल यहाँ से, चल चल जा रहा है। फ्लाइट एक बार टेक ऑफ हो जाती है तो बीच में लैंड नहीं होती। उसी तरह इस डायमंड की डील होने के बाद ही तेरा दोस्त तेरे साथ आएगा। डायमंड्स लेकर आ और इसको लेकर जा। ओके सर। बाय जग्गू, जिंदा रहा तो कल नहीं मिलेंगे। चुप कर। इस काले को अंदर डाल दो। जली हुई मूंगफली चल लेकर जा। नॉट डंकी। यार ये सब क्या है? कुछ नहीं यार, एक नया ट्विस्ट है। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? अबे हमें एयरपोर्ट जाना है, चल चल। पर उसके लिए हमें कार चाहिए होगी। ए सुप्रिया, देखना तेरा आशिक तेरे पीछे चल रहा है। सुप्रिया पीछे देख तो। अरे पलट के तो देखना सुप्रिया, तेरा आशिक तेरे पीछे चल रहा है सुप्रिया। गणपति पप्पा मोरिया, बोलो गणपति महाराज की जय। स्वामी आशीर्वाद देना। स्वामी मुझे माफ करना। स्वामी माफ करना। क्यों बच्चे लोगो, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आ तेरे। क्यों रे, मुझे भी एक फ्रूट जूस दे। ऑल मिक्स फ्रूट जूस दियो। हेलो, कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? हे, चाबी भी लगी। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरे साथ घूमने चलोगी? पूरी दुनिया घुमाऊंगा अपनी लाल गाड़ी में। हट मोटे। अरे प्यार से मोटा बुला रही हो मुझे। ए सुन तो, पैसे मत लियो जूस के। अगली बार से पता नहीं क्या समझती है, मुझे मना कर दिया। जूस सर। ये किसके लिए? आपके लिए। पागल है, ये जूस का टाइम है। पागल कहीं का, चलिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पागल के। जीप लाया था मैं, पैदल ही तो आया था मैं। बुलक्कड़ू मैं भी पूरा ना। पुलिस, मुझे बच के जाना पड़ेगा। अब मामला सेट है। वो देख, लगता है उसी के पास डायमंड्स है। अरे यार वो तो हमारी ओर देख रहा है। अरे क्यों बेकार में डर रहा है? मैं तो ऐसे ही डर रहा था। कौन है वो, ये थोड़ी ना जानता है। ओके अविनाश जा, ऑल द बेस्ट। ये पुलिस इधर क्यों आ रही है? ए, जल्दी गाड़ी में बैठना। चल 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 चल, जल्दी निकलते हैं। चल AP 28CC00011। अरे ये तो मेरा लकी नंबर है। मेरे डायमंड सेफ हैं।
विदाउट द लगेज, वापस एयरपोर्ट चलेंगे। यूएस से आई हूँ और मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने कोई नहीं आया। ऐश्वर्या कूल, आप एयरपोर्ट नहीं आई और अब मेरी नजर उतार रही हो। तुम्हारे डैडी और चाचा तुमसे बहुत नाराज हैं, इसलिए एयरपोर्ट पर नहीं आए। लेकिन मैंने क्या गलती की? क्या गलती की तुम ये पूछ रही हो? तुमने क्या क्या पता नहीं? ऐसी गलती के लिए कोई भी पिता अपनी बेटी को माफ नहीं करेगा। मम्मी मुझे सस्पेंस से मत मारो प्लीज, बताओ तो सही क्या हुआ है। बात यह है कि तुमने अपने पापा और चाचा का सपना पूरा नहीं किया है, इसीलिए वो दोनों तुमसे बहुत नाराज हैं। What? मैंने डैडी का ड्रीम पूरा नहीं किया? डैडी का ड्रीम क्या है? टेनिस का ड्रीम। उनका तो एक ही सपना है कि वो तुम्हें सानिया मिर्जा की तरह चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं, और तुम अमेरिका चली गई। उन्होंने तो तुम्हारी टेनिस खेलती हुई फोटो फ्रेम बनाकर दीवार पर भी लगा दी है, जरा खुद देख लो। हाँ, मुझे तो टेंशन हो गई थी, इसके लिए इतना बिल्डअप। टेनिस खेलना है ना, तो खेलूंगी। सिर्फ खेलना ही नहीं है, जीतना भी है। हाँ। सानिया से ना? सानिया नहीं, सकीरा की तरह, जो केशव राव की बेटी है, क्लब चैंपियन। उसने अपने भैया की इंसल्ट की है। डैडी, डैडी, तुम उसको हरा कर उसके घमंड को चूर चूर कर देना। हाँ। उस केशव रेड्डी ने मेरी डैडी की बेइज्जती की है ना, मैं उस सारिका को हरा कर ही रहूंगी जिसकी वजह से मेरी डैडी की इंसल्ट हुई है। वाह, ये हुई ना शाबाश, शाबाश बेटा, शाबाश, ये हुई ना बेटी वाली बात। ए केशव रेड्डी, अब मेरी बेटी आ गई है, तेरी बेटी को हरा रहे और तेरे ही क्लब में। मैं खुशी से देखूंगा तेरी बेटी को हरा कर मेरी बेटी चैंपियन। ऐश्वर्या, मेरी दवाई लाई हो? ओ गॉड सॉरी, मैं भूल ही गई। तुम कैसे भूल सकती हो? मेरा हेल्दी रहना तुम्हें पसंद नहीं क्या? अरे मैंने कौन सा पाप किया है? तेरी तबीयत खराब है, पहले क्यों नहीं बताया? ए, इसको दवाई दिला। अरे मेरी दवाई यहाँ नहीं मिलती है, विदेश में मिलती है। ओ दैट मेडिसिन। हाँ, मुझे तो पहले से पता था तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ। ओ तो ये दवाई चाहिए तुझे? मेरे पास इससे भी बड़ी दवाई है, दूं तुझे? दीजिए ना। तेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है क्या? जब से एयरपोर्ट से ऐसे गुमसुम बैठा हुआ है। उस लड़की के पीछे पढ़ पढ़ के तूने अपना प्लान चौपट कर दिया। क्या बताऊं यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तेरी तो, तेरी तो। अरे वो डॉन मंगल सिंह डायमंड्स के लिए कुछ भी कर सकता है, हमारा जग्गू भी उसी के पास है, उसको कैसे छुड़ाएंगे कुछ सोच। अरे वो कुछ नहीं करेगा, मैं कह दूंगा कि दुबई दामोदर इस फ्लाइट से नहीं आया, बात खत्म। पक्का ना? हाँ। अरे डॉन मंगल सिंह का फोन आ रहा है, काट दूं क्या? अरे नहीं नहीं, याद है मैं बात करता हूँ। ठीक से बात करना। हाँ। हेलो सर। दुबई डायमंड्स का क्या हुआ? दरअसल दुबई दामोदर इस फ्लाइट से आया ही नहीं। अगर वो नहीं आया है तो तू वहाँ क्या कर रहा है? बोला था ना ये बेवकूफ है, कॉमन सेंस भी नहीं है। उसे टाइम का सेंस नहीं है और मुझे में कॉमन सेंस नहीं है। ऐसा है क्या? इसलिए मैंने इस काले को अपने पास गिरवी रखा है। चल बता। दुबई दामोदर फ्लाइट से आ गया, ये बात इसको पता है यार। इसके साथ गेम मत खेल वरना ये मुझे मार डालेगा यार। भाई इसको बता दे यार डायमंड्स कहाँ है। मार डालेंगे नहीं, मैं तुझे अभी मारूंगा बेचारा जग्गू। गाड़ी तो वही लग रही है लेकिन नंबर चेंज हो गया, लगता है उन्होंने बदल दिया है। मैंने जिस जीप में डायमंड्स फेंके थे उसका नंबर तो 0011 था, लेकिन इसका नंबर तो 788 है। जरूर कुछ ना कुछ तो झोल है, अभी पता करते हैं। ए कौन हो तुम? हा? मैं दुबई दामोदर। यहाँ क्या कर रहा है? तुम अंधे हो क्या? मैं अपनी चीज ढूंढ रहा हूँ, हटो सामने से। ए, जानता है मैं कौन हूँ? तू कौन है वो तुझे नहीं पता तो मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? मेजर पृथ्वीराज, एक्स कर्नल इंडियन आर्मी। ये तो दिन दहाड़े मेरी कॉलोनी में आके मेरी ही जीप चोरी कर रहा है। ऐसी गलती तू दोबारा ना करे इसलिए मैं तुझे अब बताता हूँ। सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली? ये लोग कौन है सर? अभी बताता हूँ तेरे को सर। ए धुलाई करो इसकी। रुक 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 रुक, लगता है इसे कहीं देखा है। एक मिनट, मेरी बात सुने बगैर ही मुझे मार रहे हो। ए, ये तो दुबई दामोदर है ना? हाँ, कौन है तू, कहाँ से आया? दुबई से। तू कहीं से भी आया, चोरी करने वाले की पिटाई होगी। क्या करें यार? हाँ, मुझे फॉलो करो। ठीक है। चाचा। चाचा ये भी ठीक है, इनके जरिए मैं बच सकता हूँ।
बच्चो चाचा क्यों मारे हो मेरे चाचा को? अपने चाचा से पूछो। अरे यहाँ के चोरी करेगा तो पिटेगा ही ना। चोरी? हाँ। दुबई के शेख को शेख करने वाला आदमी चोरी करे? हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं दुबई से आया था, ये इन्हें कैसे पता? क्या हुआ चाचा? इतना ज्यादा मत सोचो। और कुछ देखना? मैं चेक कर लेता हूँ। जयन मेजर साहब। ठीक है, चलो 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 भाई। सर क्या कर रहे हो? अरे AP-28CCC। चाचा हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ मैं आगे बैठूंगा गाड़ी में। गाड़ी भी चलाओगे क्या? हाँ आप ड्राइव करोगे चाचा? हाँ मैं चलाता हूँ। ओके। अरे आके बैठो। अरे रुकना यार, पहले गाड़ी चेक तो करने दे, इतनी भी क्या जल्दी है। पता नहीं मैंने डायमंड कहाँ रख दिए। गाड़ी में बैठना, इज्जत से बात करो। बैठना। ए तुम तो शक्ल से बदतमीज लग रहे हो। चल इसको इज्जत देगा। ए चुपचाप डायमंड हमें दे दे। कौन से डायमंड? अच्छा कौन से डायमंड? जो दुबई से लाया ना, वो डायमंड की बात कर रहा हूँ। दुबई डायमंड्स के बारे में मैं नहीं जानता। जल्दी निकाल। बहुत मस्त एक्टिंग करा यार इसकी तो। वो देखो पुलिस आ रही है। अच्छा, अरे पीछे मुड़ के तो देखो। बच गए। कहाँ गए डायमंड्स? जरूरी इधर सीट के नीचे होंगे। क्या कर रहा है इधर? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर अरे तुमसे मिलने आया हूँ। वेरी गुड सर। तुम क्या कर रहे हो इधर? मैं गाड़ी चेक कर रहा था, कहीं झटके से खराब तो नहीं हो गई थी? हिलाना बंद करो और यहाँ से निकलो। चलता हूँ सर। चलो जल्दी निकलो। ढीले डाले मुझे समझाएंगे। फिर से मिस हो गया। चल भाग गए। इन्होंने मुझे प्यार से चाचा कहा और दुबई दामादोर का मामू बना के भाग गए। ए रुको। अरे यार डायमंड्स भी नहीं मिले, कुछ खाने को भी नहीं मिला और हमारा दोस्त जग्गू भी नहीं मिला। क्या बकवास कर रहा है यार, चुप कर इसको। क्या हुआ? तुझे बहुत भूख लगी है? और नहीं तो क्या, पेट में चूहे कूद रहे हैं। कुछ खिला दे यार, तेरा बहुत भला होगा। एक काम करते हैं, 5-star चलते हैं, वहाँ बिरयानी खाते हैं, है ना, मजा आ जाएगा। तुम लोगों को नहीं खाना तो मत खाओ, तुम्हें भूखे आदमी की हाय लगेगी। पैसे तो दे दो। तेरी भूख मिटाने का एक आइडिया है मेरे पास। क्या? वो लड़की के हाथ में पर्स दिख रहा है। चल छोटे लेट्स गो। आज बहुत खुश लग रही है, क्या बात है? कुछ नहीं, आज तुम्हारे भाई से मिली थी इसलिए खुश हूँ। तुम बताओ। पर्स मिला? पीछे हटो। इतना सारा सामान यार, ये सब तेरे लिए है। चल वहाँ 50% ऑफ है। आ जाओ। अरे संभाल। अरे भाई अविनाश जा। चल 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 मिल गए यार। आज सालों के बाद मैं पेट भर के खाऊंगा। अरे यार आज पेट भर के खाएंगे नहीं, पेट भर के पिएंगे भी। अरे यार ला मुझे दे। हाँ चल, मुझे बहुत भूख लगी है, मिल बांट के खाएंगे, है ना? हाँ वो सच में फिसल कर गिर गई थी। सच में? हाँ मैं सच कह रही हूँ। अरे किसी को पता भी नहीं चला माल मेरे पास है। क्या हुआ? सारा सामान तो ले लिया, तुझे और कुछ चाहिए? नहीं मुझे कुछ और नहीं चाहिए। पक्का तो कुछ भूल नहीं रही है? हाँ पक्का। अरे क्या कर रहा है? Where's my purse? तूने अपना पर्स कहाँ रखा था? यही तो था। यही था तो कहाँ गया? कहाँ गया? Oh shit! अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है। अब बिल कैसे भरेंगे? Excuse me? मेरा पर्स। ये आपका पर्स है ना? या दो चोरों ने आपका पर्स चोरी कर लिया था। अरे ये दोनों नहीं, वो दोनों तो भाग गए। Okay. You're welcome. Thank God तेरा पर्स मिल गया, नहीं तो आज लेने के देने पड़ जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, मेंशन नॉट। एक्चुअली ना हमारे गांव में लोग थैंक यू नहीं बोलते हैं, नाम बताते हैं। ओहो, ओहो,
Sorry, actually I'm Aishwarya and I'm doing MS from USA. So I'm here for holidays. So very nice. By the way, my name is Avinash. और ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट. Thank you. देख यार, हम भूखों को छोड़कर लड़की पटा रहा है अपना दोस्त. हमें तो खाने को बिरयानी तक नहीं मिली और उसे वो चॉकलेट खिला रहा है. मेरी हाय लगेगी इसे. क्या रे सूर्य नारायण, बहुत होशियार बनता है. कल तेरी बेटी की शादी हुई, सुना दामाद बड़ा अच्छा मिला है. हाँ, अच्छी फैमिली है, इकलौता लड़का. इतने धूमधाम से शादी की और मुझे बुलाया तक नहीं. वो, वो. ओहो, शादी में भूपति रेड्डी आया था इसीलिए ना. मैं आता तो तुम दोनों की दोस्ती का पता चल जाता ना. टेंडर के लिए 20 लाख और शादी के लिए 50 लाख. उससे पैसे मिल गए तभी तो अपनी बेटी की शादी कर पाया. मुझे पहले से ही ये मालूम था कि तू आगे चल के धोखा देगा मुझे. सर, भूपति से मेरा कोई लेना देना नहीं है. ए, वो भूपति को लेके आओ. ए, इसको पहचान, यही भूपति है ना. पहचान इसको, इसने भी धोखा दी इसीलिए कूटा. तब इसने बताया कि तुझे 50 लाख दिया. गलती हो गई, माफ कर दो. मैं अगर इसी तरह सबको माफ करता रहा तो इसकी तरह तू रोज गलतियां करके मुझसे माफी मांगता रहेगा. कल के कल मुझे 50 लाख के टेंडर चाहिए, सुन रहा है ना. टेंडर मुझे मिल गया, ये फोन आना चाहिए, समझ गया. वरना तेरा दामाद एक्सीडेंट में मारा जाएगा तेरी वजह से. हेलो, मैं दुबई दामोदर बोल रहा हूँ. उस दिन मैं भाग गया था उसके लिए सॉरी. सॉरी सर, सिचुएशन की डिमांड ही ऐसी थी. मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. तू मुझसे प्यार करता? कौन है भाई मुझसे प्यार करता? मैंने आपकी कार में कीमती चीज रखी है. मेरी गाड़ी में कीमती चीज रखी है, क्या बोल रही है? हेलो, प्लीज सर, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आपस में बैठ के सेटिंग कर लेंगे, कुछ तो सेटल हो ही जाएगा. हाँ सर, आते वक्त जावेद बिरयानी से एक बिरयानी लेके आइएगा. बिरयानी? ये कौन है जो बिरयानी मंगवा रहा है? ओ याद आया, मेरी गाड़ी तो मेरे पास है भी नहीं. एक काम करता हूँ, पहले कैफे जाता हूँ, फिर तो सच पता चली जाएगा. क्या मुखड़ आदमी है येड़ा कहीं का. ए भैया. हाँ सर. इधर आ. कहिए ना. इसमें क्या है? मेंदू वड़ा और बटाटा वड़ा है. इधर रख दे दोनों. जी सर. और मेन्यू में क्या क्या है? बिस्किट है, समोसा है सर. हाँ. डोसा है, उत्तपा है. सब एक एक लेके आ, जल्दी जा. जी सर. और एक चाय भी. ठीक है. हाँ. कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ सर. अरे जल्दी ला यार. लीजिए सर. ये कौन सी है? कोका कोला. हाँ. लिम्का. हाँ छोटे सुन. बोलो ना. एक समोसा और लेके आ. अरे समोसा का तेल लगाने, पहले बिल भरो. बिल लेके आ तू जा. हाँ, इतना लंबा बिल, इतना तो दुबई में 5 स्टार में भी नहीं आता. अब कैसे भरूंगा? लगता है यही आदमी है. हाँ दीदी. हाँ हम. जी 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 जी. या आओ बैठो. वैसे मैंने फोन तो जीप वाले को किया था. नहीं, उसी कार का ओनर. वो तो हीरो लग रहा था लेकिन तुम तो जीरो. काम की बात कर, बकवास मत कर. काम की बात कौन सी? अरे आराम से. आरसी. हाँ ओके ओके ओके. भाई तुम्हें एक बात बतानी है. बोल. तुम्हारी जीप खो गई है. हाँ. ये बात मुझे अच्छी तरह पता है. मेरा भी सामान उन्होंने ही चुराया है. अच्छा तो किधर है? मुझे नहीं पता, पर जब सामान मिलेगा तब हम 50-50 कर लेंगे. जीप में ऐसा नहीं. हाँ जीप की बात नहीं. फिर ठीक है, उसमें रखे सामान की. मैं आज तक हारा नहीं और ना ही मेरी बेटी हारनी चाहिए. अगर तुम्हें जीतना है तो खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ गई ना तू? तभी जाकर तू क्लब चैंपियन बनेगी. ऐश्वर्या को चैंपियन बनाने के लिए अच्छे कोच की जरूरत है. पर अभी के अभी इसे कोच कहाँ से मिलेगा? कौन मिलेगा? हाँ एक कोच है. बढ़िया कोच है ना? अरे बहुत बढ़िया कोच है. आपको पता है सानिया मिर्जा उसी से कोचिंग लेकर आज इतने बड़े लेवल पे खेल रही है. ओके लेकर आ. ओके सर. भाई इस काली की क्या कहानी है?
इसकी कहानी बहुत लंबी है, तू अपनी कहानी बता। मेरी कहानी याद आया, बता दो भाई, आपको टेनिस की ट्रेनिंग देनी चाहिए। ए, भाई गुंडागिरी की कोचिंग देते हैं। ए, बकवास बंद कर, मुझे ये खेल खेलने का कोई शौक नहीं है। भाई पहले मेरी बात तो सुनिए, आप खेलेंगे तो बहुत मजा आएगा। ऐसा है क्या? हाँ मजा आएगा और क्या। अरे शर्मिली इसे तू संभाल, मैं इसे संभालता हूँ। हाँ। भाई बोल, मेरे सेठ की बेटी अभी अभी यूएस से आई है तो, और मेरे सेठ चाहते हैं कि वो एक टेनिस प्लेयर बने। क्या बे? मैं चाहता हूँ कि आप उसके टेनिस कोच बने। मैं? हाँ हाँ, मेरे दिमाग में उसका किडनैप का प्लान है। जब हम उसका किडनैप कर देंगे तो अपने को बहुत मस्त पैसा मिलेगा। अगर 10 मांगेंगे तो 15 मिलेगा। 10 आप रख लेना, 5 मैं रख लूंगा। मुझे 10 देगा वो समझ गया, पर तेरे लिए 5 क्यों? भाई आप बात बात में मारते क्यों? 5 का मतलब 5 बोतल। अच्छा तो बोतल की बात कर रहा है तो ऐसा बोलना। ओके ब्रो मैं तुझे सिखाऊंगा। चलो सुन। हाँ भाई। अभी अभी वो अरे वो डंडा क्या होता है, स्टंप, विकेट, विकेट भाई। स्टंप लेकर आ रहा है, एक बॉल लेकर आ रहा है, एक बैट लेकर चल दिया। अरे भाई क्रिकेट नहीं खेलने का है। अच्छा तो टेनिस किससे खेलते हैं? अरे भाई रात को आप टुपोक मच्छर को जाली वाली बैट से मारते हो ना। हाँ मारता हूँ। हाँ ठीक, उसी की जैसी जाली वाली बैट से बॉल को टुपोक मारते उसको टेनिस कहते हैं। इतनी सी बात है। सुन जल्दी जाकर वो मच्छर मारने वाला बैट लेकर। अब तो कोच बनकर 10-15 करोड़ कूद ही लूंगा। अरे क्या कर रहा है यार, छोड़ ना। हटो तुम दोनों। ए चीची यार तू भी। हाँ, नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं। अरे मेरे पूरे खानदान में कोई ऐसा नहीं है जैसा इसने मेरे साथ किया। चुप कर। मेरे साथ मैंने जो बताया था उसका क्या हुआ? वो मैंने पता कर लिया है। तो बोलो। जो कार नंबर तूने दिया था वो शहर के सबसे बड़े आदमी शास्त्री की है, और जिस लड़की पर तेरा दिल आया है वो उस शास्त्री की बेटी है, तो तू जरा संभल के रहना, समझा? लव यू मेरी जान। अबे आजकल ये फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में कोई अंतर नहीं समझता, वैसे इसका दिमाग हिला हुआ है। तू और आग में घी डाल रहा है, घी डाल रहा है। चुप कर, कभी तो मेरी सुना कर। हाँ, जरा हट। ओहो आहा, क्या फोटो बनाई है मेरे दोस्त ने। हैं कैसी लगी? एकदम अमेरिकन ब्यूटी। तुझे भी अच्छी लगी? थैंक यू सो मच। अबे जी गुर। अरे यार इस लड़की के चक्कर में मत पड़। भाई मैं ऐश्वर्या से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। उधर अपना जग्गू भी तड़प रहा है, उसकी कोई फिक्र है कि नहीं? उसके लिए अभी अपना भाई कोई धांसू प्लान बना डालेगा। टेनिस खेलने का फैसला कहीं तुमने अपने डैडी और चाचा के दबाव में तो नहीं लिया है ना? ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं डैडी की खुशी के लिए खेलूंगी, क्योंकि डैडी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, सो आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम। ए, ये मछली पकड़ने का जाल क्यों टांग रखा? ये मछली जाल नहीं, टेनिस कोर्ट है। ओ, अच्छा टेनिस। सर इनका नाम काली आनंद राज है, बहुत बड़े टेनिस कोच है। सारे नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियंस को इन्होंने ही ट्रेनिंग दी है। ओ, नमस्कार सर। मेरी बेटी को भी जरा अच्छी कोचिंग दीजिए सर। आप चिंता मत करो, आपकी बेटी टॉप क्लास प्लेयर बनेगी, मेरी गारंटी है। सर ने बोल दिया तो समझो हो गया। प्लीज सर शुरू कीजिए। हाँ मैं जा रहा हूँ। गुड शॉट, शॉट। ऐश्वर्या कोच सर को नमस्ते बोलिए। नमस्ते नमस्ते। व्हाट इज दिस प्लेइंग? कैचिंग बैट बट सिंगल हैंड सर्विस। दिस इज नॉट अ मस्किटो बैट, गिव इट टू मी। बैट को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। पर ऐसा तो क्रिकेट में करते हैं ना? नहीं वो गली क्रिकेट में होता है। सिंगल हैंड गली क्रिकेट प्लेयर, डबल हैंड तुम्हारी तरह इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर। okay. अब मैं तुम्हें सर्विस सिखाता हूँ। बॉल दे बे, इसको कहते हैं हाफ वे बॉल। सानिया मुझसे सीख के गई थी ये। या अब मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ सर्विसेज बताता हूँ। गिव मी द बॉल प्लीज। इसे कहते हैं स्पिन बॉल, अनिल कुंबले स्टाइल। और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, इसे कहते हैं ड्रॉप बॉल। सानिया मिर्जा नाम तो सुना है, मेरे से ही सीखी थी। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ सन्नी लियोनी की तरह तुम्हें महान टेनिस प्लेयर बनाऊंगा। ज्यादा बोल रहे हो। ठीक है ना, बोल दे तू। नाउ सी, इसे हम कहते हैं टपली शॉट। गुड सुपर। अब बॉल स्टेडियम से बाहर। अगर इसी तरह मेरी बेटी सीखती रही तो मेरी बेटी क्लब चैंपियन नहीं विंबलडन चैंपियन बनेगी। रैकेट अच्छा है। कोच साहब बाय, थैंक यू। उसकी कमर पे टैटू है, मुझे नहीं दिखा। प्यासी नजरों से देख। अभी दिखाई दिया? ये यहाँ ये क्या कर रहा है? तू इधर क्यों आया बे?
और डायमंड्स का क्या हुआ? डायमंड्स मिलते ही तेरे को दे दूंगा। लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? ए, अगर तुम लोगों ने मुझे डायमंड्स वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे दोस्त को हवा हवाई बना दूंगा। अगर तेरी सच्चाई बता दी ना तो तू हवा हवाई हो जाएगा। हाय अविनाश। हाय। इसे तुम जानती हो? ऑफ कोर्स, हम कल ही तो मिले थे। क्यों बे, डायमंड्स ढूंढने के लिए भेजा था पर तूने तो अपने लिए लड़की ढूंढ ली। डायमंड्स मिलते ही तुम्हें दे दूंगा, मेरे दोस्त का ध्यान रखना। बाय द वे तुम्हारी जिप खुली है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बताता हूँ, मेरा दोस्त बहुत टैलेंटेड है, ये देखो टैलेंटेड है। इसने तुम्हारा स्केच बनाया है। वाओ ब्यूटीफुल। थैंक यू ऐश्वर्या। ये मेरे लिए है। लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा, पहले तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीनी होगी, तभी मैं तुम्हें दूंगा। ओके, विद प्लेजर। ठीक है चलते हैं। अबे अब तू उसको कॉफी क्यों पिला रहा है? अबे गधे, चुपचाप चल। अरे सुन तो। अब क्यों रोक रहा है? कॉफी के बहाने उसको आई लव यू बोलने वाला है क्या? ऐसा बिल्कुल मत करना। तो? अरे वो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। वो अमेरिका से आई है, उसे अमेरिकन कॉफी पसंद होगी, समझ गया? ऐसा है क्या? तू यहाँ पे रुक, मैं जाके इटालियन स्टाइल में बता क्या था। चल मैं भी चलता। जा जा जा। आइसक्रीम खाओगे? ओ आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम नहीं खाता। अच्छा सुनो ना, मुझे कुछ पूछना है। तुम वापस यूएस कब जाओगी? मैं 10 दिन में यूएस वापस चली जाऊंगी। ओह 10 दिन, यानी मेरे पास टाइम बहुत कम है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बताओ। वो आई लव यू। व्हाट? आई लव यू। जब मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पे पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। डोंट यू हैव सेंस? एक लड़की से कैसे बिहेव करते तुम्हें पता नहीं? गुड बाय। तूने आई लव यू बहुत जल्दी बोल दिया यार। वो 10 दिन में यूएस वापस जा रही है, इसलिए मैंने उसे अपने दिल की बात कही। तेरे मन में जो आएगा बोल देगा। अब मेरा मन करेगा इस लड़की को छेड़ने का तो क्या मैं छेड़ दूंगा? देखा कहीं छिड़ी? अरे छिड़ गई क्या? मुझे छेड़ता है? कराटे खेलती हो? नहीं, कबड्डी प्लेयर। क्या हुआ बेटी, तुम परेशान लग रही हो? मेरा मूड ठीक नहीं है। हाँ बोल बे दत्तू। किसी भिखारी को बंगला मिल जाए तो कैसा लगेगा? ये तो क्या बक रहा है बे? वो अविनाश ने ऐश्वर्या को कॉफी शॉप में आई लव यू बोल दिया। और अगर उन दोनों की शादी हो गई तो हमारे किडनैपिंग का प्लान पूरा फेल हो जाएगा। अरे ऐश्वर्या तो क्या, उस घर की नौकरानी को भी हम किडनैप नहीं कर पाएंगे। ये बात है। अरे तेरा फोन बज रहा है, उठाना, सुनाई नहीं दे रहा क्या? फोन उठा, फोन उठा। ध्यान ही नहीं है। क्यों बे, मैं तुझे नाचने वाली लगता हूँ? मेरे माथे पे चूरन लिखा है क्या? अब ये बता डायमंड्स का है? कहाँ है डायमंड्स? वो डायमंड्स हमारे पास नहीं है। नहीं है? ठीक है, मैं डायमंड्स छोड़ देता हूँ, तू उस लड़की को छोड़ दे। उस लड़की से तुम्हें क्या? उसके साथ टेनिस खेलूंगा। तेरी तो ए, वो मेरी मलेशियन ड्रीम को पूरा करने वाली एंजल है। अगर तूने ऐश्वर्या को छुआ ना। ए, तुझे डायमंड्स चाहिए या ऐश्वर्या, अब भी डिसाइड कर। किसका फोन था? उस मंगल सिंह का फोन था। वो ऐश्वर्या के साथ कुछ गलत करने वाला है, हम ऐश्वर्या को किडनैप कर लेंगे। क्या क्या बोल रहा है तू? अरे यार पहले ही डायमंड्स के चक्कर में हम फंसे पड़े हैं और तू किडनैपिंग भी करवाएगा। सुन मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल मत कर यार। ये सब छोड़कर कुछ ढंग का प्लान बना जिसमें खतरा कम हो। हाँ। समझा? अच्छा एक काम करते हैं, उसको वार्निंग देते हैं। नहीं हो सकता। अरे बाप रे, उस लड़की के चक्कर में अब तू किडनैपिंग भी करेगा? ऐसा मत कर। पहले हम छोटी चोरी करते थे, अब किडनैपिंग करेंगे, कल को मर्डर करेंगे। ए, क्या कर रहे हैं? किडनैप और मर्डर में फर्क है। क्या? देखते जा। अरे सुन तो। अरे ये अब क्या क्या दिखाने वाला है हमें? यार तू उसे कुछ बोल ना। मेरी तो वो कभी नहीं सुनता। ये भी कोई जिंदगी है? शराब से भी नशा नहीं हो पा रहा है। सिर्फ अपने पासपोर्ट प्रॉब्लम की वजह से चुप बैठा हुआ हूँ, वरना इस बोतल को रोना को पूरा अंदर डाल देता। अच्छा तो ये तेरा वीक पॉइंट था, मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था। तुझे जो करना है वो कर ले। यस बहुत फुदक रहा है। अरे तुझे मारा तो प्रॉब्लम होगी ना? हाँ होगी, लेकिन तेरी टांगे तोड़ने से तो नहीं होगी।
जा रुक जा, अभी तोड़ता हूँ, अभी तोड़ता हूँ। नहीं सर, नहीं सर, माफ कर दे सर, सर माफ कर दे सर, गलती हो गई सर। बैठ जा, बैठ जा। सुअर इधर आ। हाँ भाई, कल एक्सीडेंट में तेरे भाई की टांग टूट गई थी ना। हाँ। एक टूटी थी या दो? दो। इसकी भी दोनों तोड़ते हैं। अभी तोड़ता हूँ। एक गधे इधर आ, इधर आ, इधर आ। तीन दिन पहले तेरे दादाजी की किडनी फेल हो गई थी ना, एक फेल हुई थी या दो? इसकी ले ले। अरे मलिंगा का है, इधर आ। तेरे नाना का हार्ट फेल हो गया था ना, एक बात है या दो? एक। इसकी हार्ट निकाल दे। भाई ये सब क्या है, मेरे बॉडी के सारे पार्ट सेल कर रहे हो? ये मेरा दिल है, दिल। अच्छा। हाँ। मुझे कब मिलेगा? तुझे वो कमरे के अंदर ही मिलेगा। ए, ले लो सब कुछ। ये रहे तुम्हारे पैसे, पूरे 20 लाख। ये रख। मुझे चाहिए 50-50। 50-50। अच्छा जोक था, हंसी आ रही है। 30 साल पहले जब काम शुरू किया तब भी यही कहा था। जब भी किसी ने हिस्सा मांगा मैंने उसे मार डाला, चाहे वो कोई भी हो। बहुत बुरी तरह। अब तू मुझसे हिस्सा मांग रहा है, सोच मैं तेरे कितने हिस्से करूंगा। तू मेरा पुराना साथी है इसलिए छोड़ रहा हूं। आइंदा हिस्सा मांगा काट डालूंगा। गेट आउट। जिम करके पेट को थोड़ा कम करना पड़ेगा। आप अगर खाना कम करेंगे तभी तो पेट कम होगा। तू अपना मुंह बंद करेगा तो अच्छा होगा। ढक्कन कहीं क्या? ओ, उस प्लॉट नंबर 3 का काम नहीं हो रहा यार। हाथ लगाओ तो नेकलेस मांगती है, पास जाओ तो दूर चली जाती है। अरे फ्लैट नंबर 1 और 2 को तो आप ठीक से संभाल नहीं पाते, फ्लैट नंबर 3 के सपने देख रहे हैं। अबे कांस्टेबल, तेरे मुंह में कपड़ा ठूस के मारूंगा। हाँ सर। सर। अरे यार मैं लड़की के बारे में बात कर रहा था, ये लड़के कहाँ से आ गए? छे सर का भी मूड नहीं है तुमसे बात करने के लिए। मूड बनाने के लिए ऑफर लाया हूँ। सॉरी। ए अबे तुम लोगों को चोरी करने से मना किया था लेकिन तुम लोगों ने बंद नहीं किया। ओके। बंद कर दिया सर। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अरे मेरी खुद की 3 नंबर की प्लॉट की प्रॉब्लम नहीं सुलझ रही, तू अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। सॉल्व करोगे तो 10 करोड़ का फायदा है सर। 10 करोड़ रुपए। सर आपके मोटिवेशन ने अच्छा काम किया है, ये लड़के काफी तरक्की कर रहे हैं। अच्छा ये बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? उस दुबई दामोदर को तो हम पकड़ लेंगे, पर डॉन मंगल सिंह को आपको ही पकड़ना होगा। डायमंड्स आप रख लेना सर, पर हमारे जग्गू को वहाँ से छुड़वा दीजिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। डॉन मंगल सिंह के खिलाफ एक भी सबूत ना होने के कारण वो अब तक बसता रहा। तुम्हारा जग्गू तुम्हें जरूर मिल जाएगा। चलो। तूने ही उन लोगों से मेरी पहचान कराई थी, अगर तूने पहचान नहीं कराई होती तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती। मलेशिया जाता, डायमंड्स मेरे हाथ पे होते, अब मेरे साथ सिर्फ एक खंडर बचा है। भाई पुलिस आई ली है। ओ पुलिस, अब तो ये खंडर नहीं बचेगा। भागो, भागो। ए पकड़ लो सबको, कुछ नहीं हुआ। भाग, भागो। वो इधर आ रहा है, चल निकल निकल निकल। ये लगाया सिक्सर। हमारे अड्डे पे आकर हमें ही मारता है तू, ये ले। ये वाला बाकी है। भागो कुत्ता भागो। यार मैंने सनी लियोनी की पिक्चर देखी, मजा आ गया। मोबाइल में हो तो मुझे भी देना। क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम लोग आपस में क्या मीटिंग कर रहे हो? क्रिमिनल्स को पकड़ना हाथ में कैमरे पकड़ना जैसा नहीं होता है, रिस्क लेना पड़ता है। क्या बात है सर। हेलो सर, ये प्रेस मीटिंग है, यहाँ सिर्फ काम की बात कीजिए। सर पहले आप गुंडों को यहाँ बुलाइए, हमें और भी काम है। चल 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 अंदर चल, चल फटाफट। चलो
लाइन में खड़े हो जाओ, चलो इधर आ, इधर खड़े रहो, इधर आ, इधर खड़ा, इधर खड़ा, ठीक से। इन सबको देखो, इन सबका लीडर है डॉन मंगल सिंह। बहुत ही जल्दी मैं इसे पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। ये तो गुंडा है और मेरा कोच भी है। मैं नहीं जानता था ये चोर है, वरना आपसे मिलाने से पहले इसको पुलिस के हवाले कर देता। सच्चा देशभक्त हूँ मैं। सर पहले उस हीरो को दिखाइए जिसने विलन को पकड़ा। इज मिस्टर अविनाश। अविनाश ये यहाँ? इतना रिस्क अपने दोस्त के लिए? ये सब सर की वजह से हुआ है। मेरा फ्रेंड जग्गू किडनैप हो गया था तो सर ने उसे छुड़वाया। ये सारा रिस्क सर ने मेरे फ्रेंड को छुड़वाने के लिए लिया है। आपकी पर्सनालिटी देखी थी लेकिन आज सिंसियरिटी भी देख ली, आप ग्रेट हो सर। नो नो नो, मैंने तो सिर्फ मास्टर प्लान बनाया था, इसने तो लाइफ को रिस्क में डालकर क्रिमिनल्स को पकड़वाया, तो क्रेडिट इस लड़के को जाता है। सिर्फ फ्रेंड या किसी और के लिए भी? फ्रेंड के साथ साथ एक लड़की के लिए भी। हा? उस लड़की का नाम ऐश्वर्या। यह लड़का तुम्हारी ही बात कर रहा है। उसका नाम नहीं बता सकता। हे ऐश्वर्या का फोन है। तो हम क्या करें? हम तो पार्टी करने जा रहे हैं। जाना। हेलो। हेलो, मैं ऐश्वर्या। तुम? और कौन? तुमने मुझे फोन कैसे किया? बाय बाय। माधोपुर में तूने अच्छी खासी बिल्डिंग बनाई, मैंने खरीदना चाहा, तूने मना कर दिया। तूने 50 बोला, मैं 50 के लिए तैयार था, फिर क्या प्रॉब्लम है? उसकी कीमत 50 करोड़ है लेकिन आप 50 लाख दे रहे हैं। ये करोड़ क्या होता है? पैसा होता है। और लाख क्या होता है? वो भी पैसा ही होता है। तो मैंने कुछ गलत बोला क्या? बिल्कुल सही बोला। तो फिर इसको क्या प्रॉब्लम है? इससे सॉल्व करो भैया। ए सुन, इसको ठिकाने लगा के घर पे आ जा, जल्दी आ जा। अगर मान जाता तो जान से नहीं जाता, बेवजह तकरार करता है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। ए, संभल के जाना, पता ना चले। अबे, अबे आराम से छोड़, अबे। कोई जगह हो तो वापस आ जाना। क्या हुआ ऐश्वर्या? कुछ बातें ना ही जानो तो अच्छा है। मतलब? डैडी को अभी तक मैं भगवान की तरह मान रही थी, लेकिन मैंने देखा कि वो इंसान को मारने वाले राक्षस है। इन सब के बारे में आपको पहले से ही पता था ना? हाँ पता था। पता होने के बाद भी आप ये सब सहन कर रही थी? ऐसा नहीं है ऐश्वर्या, एक बहू के नाते मेरी भी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैं अनदेखा नहीं कर सकती। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। I'm very sorry. ओके ऐश्वर्या, मैंने तो अपनी जिंदगी इस घर के लिए त्याग दी है, पर तुम अमेरिका जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो और खुश रहो। गुड लक। थैंक यू। तुम तो बड़े जल्दी आ गए। ये तो मेरी बचपन की आदत है। मुंह बंद। चल। ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वाह।
वो ऐश्वर्या का कमरा है, वो तो मुंबई में होगी ना। उधर बच्चन है, इधर राय है, और इधर वॉचमैन है। इधर तीन लोग है, उधर दो लोग है। मैं उसे संभालता हूँ, तुम लोग उसे संभाल। बहुत बढ़िया, मैं मलेशिया पहुंच गया समझो। तू कहाँ जा रहा है? अब मेरा क्या काम, तुम तो मलेशिया पहुंच गए ना, चलो जाओ। अरे सिर्फ ख्यालों में। अच्छा, जो कहा याद है ना, जैसा कहा है वैसा ही करना। मैं उसको संभालूंगा, तुम उसको संभालोगे। डन। और भाई लोगों क्या चल रहा है, सब बढ़िया है ना? बढ़िया। बैठो बैठो भाई, इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। काम ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। जागते रहना, सोना मत, चोर बहुत है। और अगर चोर दिख गया। अबे सो जा, सो जा। चलो चलो चलना। अरे वाह, ले चल ले चल। अब बात है, काम अपना हो गया। वाह, चलो चलो। हाँ सही बात है। प्लान सक्सेस हो गया। 70 तुम्हारा, 30 मेरा। सही कहा। यहाँ मैं हूँ, कुत्ता है और ये गधा है। फिर वो कौन था? चिरकुट कहेंगे, तू कुछ नहीं कर सकता। तू मलेशिया तो क्या, मडालेन भी नहीं जा सकता। इधर ही सड़ता रहेगा तू। तेरे चक्कर में तो मेरी अच्छी नौकरी भी गई। अब रोज की बोतल का इंतजाम कौन करेगा? तेरा बाप नहीं सुने मुझे तेरी कोई बात। कभी मिलना भी मत मुझसे। डायमंड्स भी गए, मलेशिया भी गया, और अब मेरी प्यारी दुल्हन भी गई। ये टेंडर भी अपना ही हो गया भैया। अगर अपना डर बना रहा तो सारे टेंडर अपने होंगे। भाभी ऐश्वर्या को बुलाइए। क्या आपको मेरी बात सुनाई नहीं थी? जाइए बुलाइए। ऐश्वर्या नहीं है, शॉपिंग करने गई होगी। अमेरिका चली गई। क्या? ये क्या कह रही? अमेरिका चली गई? अरे यार, तू तो उससे मिलने गया था और तू उसे किडनैप करके ले आया, वो भी इस जंगल में। ऐसा क्यों किया? बताता हूँ, वक्त आने पर सब बता दूंगा। अभी थोड़ा वेट करो। हम किस चीज का वेट करें यार, वो भी इस जंगल में। तू इस लड़की को उसके घर छोड़ गया। नहीं छोड़ूंगा। अबे तूने किसको किडनैप किया, तू जानता भी है? ये गुंडे शास्त्री की बेटी है। तो उससे क्या? तो उससे क्या? अगर ये बात इसके बाप को मालूम चली तो हम सबको काट डालेगा, कुत्तों को खिला देगा। सही कह रहा है। तू हमारी जान बचाने की जगह हमारी बलि चढ़ा रहा है। अबे ओ, तू मुझे डराएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा क्या? मैं मर जाऊंगा पर इसे नहीं छोड़ूंगा। यार अब हम क्या करें? तुमने मुझे आई लव यू कहा था, वो झूठ था ना? मेरी डैडी के बारे में पता चल गया तो डर गए। अब तुम्हें देखती हूँ तो शर्म आती है। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दिलवा दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। पैसों से दुनिया की हर चीज खरीदना, ये तुम्हारी फितरत होगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? इसे क्या हो गया यार? नेटवर्क भी गायब हो गया। भाई देख तो, ये चोर से किडनैपर बन गया।
सुनो, जब तक ये नेटवर्क ढूंढ रहा है आप यहाँ से भाग जाओ, आपके लिए यही ठीक रहेगा। जाइए, भाग जाओ, उधर से जाना। हाँ। वो रास्ता हैदराबाद जाता है, यहाँ रहोगी तो मर जाओगी। प्लीज, 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 जाओ, 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 जाओ। और अपने पिताजी से हमारे बारे में मत कहना, और कहना हमें कॉल भी मत जाओ। अविनाश पूछेगा तो क्या कहेंगे? पता नहीं। अरे तुम वापस क्यों आई? शेर मिल गया? शेर नहीं, मैं मिल गया था। ए, तुम कहाँ चली गई थी? हमें बिना बताए मत जाना, ठीक है ना? इतना समझाने पर भी बात नहीं मानी। तुम्हें इस तरह जंगल में हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हाँ। मुझे पता है तुम लोगों ने इसे भगाया है। अबे सुनो, अगर दोबारा तुम लोगों ने ऐसी ओवर एक्टिंग की ना तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसकी वजह से हम फंस गए। अरे तुमको हैदराबाद जाने को बोला था, तुम उसके पास कहाँ चली गई? मरवा दिया। ऐश्वर्या फ्लाइट में भी नहीं बैठी तो फिर गई कहाँ? साहब साहब, हमारे चौकीदार रामप्रसाद को किसी ने मार डाला। ऐश्वर्या को किसने किडनैप किया मुझे मालूम है। हेलो, मेरी बेटी कहाँ है? क्या? चुपचाप बता मेरी बेटी कहाँ है। तेरी बेटी कहाँ है मैं कैसे बताऊँ? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ क्या? जबान संभाल के, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे मार दूंगा। मारना तो मैं भी तुझे चाहता हूँ, वो भी डायरेक्टली, पर उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है। तो फिर मेरी बेटी का किडनैप किसने किया? नहीं पता, लेकिन तुझे किडनैपर कहाँ मिलेगा ये मैं बता सकता हूँ। बता। एक काम कर, पहले तू सीधे शमशान वाले अघोरी के पास जा, क्योंकि शहर में जो भी चीज खोती है वो पहले उस शमशान वाले अघोरी के पास ही जाती है। बता देता हूँ, पहले वो एक काला जादू करेगा, शायद उस काले जादू से तेरी बेटी का पता चल जाए। ए, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अबे फोन रख। अपुन के टुकड़े करेगा। अरे भाई गोकुल, तुम्हारी जीप शहर में तो मिली नहीं, शायद जंगल में मिल जाए। उसमें GPS लगा लेते तो शायद अच्छा होता। अरे GPS की जरूरत नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। इस खटारे स्कूटर में बैठ के सारे पुर्जे हिल गए। ले बॉटल दे, ये पी ले। तुम्हें पता है पहले जंगल में राम भगवान आए और आज हम आए। तू अपने आप को भगवान राम से कंपेयर कर रहा है? अगर तू राम है तो मैं लक्ष्मण हूँ। इतना बड़ा पद लेकर तू क्या करेगा? ना मैं करूँगा कुछ, जीप मिल जाए बस। उनमें से अगर एक भी लड़का मिल गया ना तो उनकी चमड़ी उधड़ के तुम्हें तुम्हारी जीप दे दूंगा। जब तक वो लड़के मिल नहीं जाते ना मैं पानी पीऊंगा ना मैं शांत बैठूंगा। अरे बाप रे, इतनी गर्मी, इस जंगल में कहाँ मिलेंगे वो लोग। ए मोटे, थोड़ा पानी देना। तूने कहा कि तू पानी नहीं पिएगा इसलिए मैं सारा पी गया, फेंक भी दिया। सारा पानी पी गया तेरी तो। अब चल। कहाँ गई मेरी बेटी? क्या हुआ उसे? उसका फोन भी नहीं लग रहा, कैसे ढूंढे ऐश्वर्या को? अमेरिका में वो पढ़ाई कर रही थी और खुश भी थी, आपने उसे यहाँ बुला लिया, अब देखिए वो प्रॉब्लम में फंस गई। पता नहीं अब वो कहाँ होगी। हेलो, ऐश्वर्या हमारे कब्जे में, उसका किडनैप हमने किया। क्या किडनैप? तूने किया? कौन है तू? अविनाश। अविनाश, अविनाश, उस दिन तेरी गर्दन पे चाकू रखा था, इतनी जल्दी भूल गया क्या? ए, कौन है तू? बंगारा, पास से तेरा क्या कनेक्शन है? वो एक बिजनेस डील के लिए मेरे पास आया था, मुझे वो डील पसंद नहीं आई इसलिए मैंने उसे मना कर दिया बस। दिखता नहीं तेरी गर्दन पे चाकू है? अगर इसे थोड़ा सा भी अंदर डाला ना तो तेरा गेम बच जाएगा। अरे ये लोग कहाँ चले गए, मुझे अकेले छोड़ दिया। याद रख वरना तुझे। ओ अविनाश, मैंने पहले ही बताया कि वो बिजनेस डील मुझे पसंद नहीं आई इसलिए मैंने मना कर दिया। अब उस आदमी से मेरा कोई संबंध नहीं है। ज्यादा शाणा मत बन, मेरे पास तेरी बेटी है। ए, ए, ए अविनाश, मेरी बेटी को कुछ मत करना, देखना तुझे उस आदमी के बारे में जानना है ना। मैं तुझे बताता हूँ, जल्दी डिसाइड कर वरना ये डील महंगी पड़ जाएगी। भैया एक बार आईजी से बात करूं इस मैटर के बारे में। क्या बोलूंगा कि मेरी बेटी का किडनैप हो गया है, पूरे शहर में अपनी बेइज्जती करवाऊंगा। पर ऐश्वर्या,
बंगारप्पा लाएगा। वो क्यों लाएगा भैया? वो अविनाश को मारकर ऐश्वर्या को ले आएगा, तभी जाकर मैं उसे बिजनेस में हिस्सा दूंगा। बंगारप्पा के लिए अविनाश ने ऐश्वर्या का किडनैप किया है, अब ये दोनों लड़ेंगे, इसमें से एक मरेगा और जो बचेगा उसे हम मार देंगे। अपने लोग भी जाएंगे भैया? नहीं, उस बिल्डर के मर्डर से पहले ही बखेड़ा खड़ा हो गया, अभी हमारे लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ऐश्वर्या के वापस आते ही हम बंगारप्पा को खत्म कर देंगे। बंगारप्पा। हाँ बोल। किसी अविनाश ने मेरी बेटी का किडनैप किया है। तो तू ये बात मुझे क्यों बता रहा है? वो मेरे से तेरे बारे में पूछ रहा था, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो तुझसे बदला लेना चाहता है, इससे पहले कि वो तुझ तक पहुंचे तू उसे टपका दे। तेरी बेटी का किडनैप हुआ है ये मुझे पता है, पर मुझे यकीन नहीं। उस लड़के को हल्के में मत ले, अगर वो जिंदा रहा तो हम दोनों को जरूर मार देगा। ठीक है ठीक है, मुझे तेरी बात समझ में आ गई है। तेरी बेटी को मैं बचा के लाऊंगा और उस लड़के को भी मारूंगा, समझा? उसके फोन सिग्नल से यही पता लगता है कि वो श्रीशैलम के जंगल में छुपा हुआ है। उसका नंबर और डिटेल्स तुझे अभी भिजवाता हूँ। ए, तू सिगरेट भी पीता है? ये मेरा ओरिजिनल स्टाइल है यार। ये अविनाश तो हमें रोज अपना नया अवतार दिखा रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों? इसके नए स्टाइल से? नहीं, आज आखिरी दिन है इसलिए। क्यों? आज तो घर जा रहा है। नहीं क्या? यार वो शॉपिंग मॉल में आज चड्डी पर चड्डी फ्री मिलने का आखिरी दिन है। आज नहीं खरीदी तो 3 महीने तक चड्डी नहीं पहन पाऊंगा। चड्डी इतनी जरूरी क्यों है? अबे सुपरमैन भी तो पहनता है। भागते भागते थक गया ना, बहुत दर्द हो रहा है। सुनबे, वो लड़के जहाँ कहीं भी दिखे उन्हें देखते ही शूट कर देना। ठीक है बाय। क्या कर रहा है? इसे शूट करके एफबी पे डालूंगा भाई। फिर लाइक कमेंट से आप टॉप पे पहुंच जाओगे भाई। अच्छा? हाँ। मजाक वजाक बहुत हो गया, सब लोग सीरियस हो जाओ। वो ऐश्वर्या हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जंगल का कोना कोना छान मारो। चलो भाई, यहाँ पर टार के निशान है भाई, वो जरूर यहीं से गए होंगे भाई। इसे फॉलो करो। ए, दिखे क्या? ए, वो रहे। चलो जल्दी करो, बच के ना जा पाए। जल्दी चलो, आगे जा, पकड़ो उसको, बच के जाने ना पाए। क्या कर रहे हो? जल्दी। किधर चले गए भाई? चलो 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 चलो।
सुन मोटे, तुझे पता है डायमंड्स के चक्कर में मैं कितना घुमा हूँ? पहले दुबई से हैदराबाद, हैदराबाद से स्टेशन, स्टेशन से जंगल, और अब भाई हाँ, सुसु लगी है। प्यासी आत्मा की तरह पिएगा तो सुसु करेगा, चल जाकर। पता नहीं कहाँ फंस गया मैं। क्या धूप है। इस जंगल में पार्टी वाला शर्ट पहन के खड़ा। हेलो एक्सक्यूज मी, आई एम गोकुल गुरुनाथ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तेरे जैसे भुलक्कड़ के साथ में इस जंगल में घूम रहा हूँ। क्या रे, तेरे से अच्छा तो वो गजनी था जिसे कम से कम 15 मिनट याद तो रहता था। तुझे याद दिला दो कि हम तेरी जीप ढूंढने आए हैं। अब इधर ही रुकेगा कि तेरी जीप भी ढूंढेगा। ओ याद आया, याद आया, सॉरी भैया सॉरी। मेरी जीप कहाँ पर है? यहीं कहीं होगी, चल ढूंढते हैं। ठीक है। वो कहाँ है? सर जंगल में एड्रेस कैसे बताऊं? पर हाँ, उसका फोन नंबर बता देता हूँ। लिखो उसे 9848026743211। अबे लास्ट में 1 नहीं 7 है। अरे बाप रे, 7 ही होगा। आंखों के दवा खाने में आपका स्वागत। भाई आंखों के अस्पताल का नंबर है, गलत नंबर दिया इसने। इतना उस लड़के का नंबर मांगा तो हॉस्पिटल का नंबर देगा, छाना बनेगा। एक मिनट सर, वो आपके सामने तो भागा है, फिर हमें क्यों मार रहे? बहुत दर्द हो रहा है। अबे, बहुत जबान चल रही है तेरी, अगर तूने ज्यादा मचमच की ना पीतल भर दूंगा। छोड़ दीजिए सही सर, 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 साइड में आइए सर, हम आपस में मिलके आपको एक मिनट में एड्रेस बताते हैं, एक मिनट दीजिए बस। अबे इस अविनाश के बच्चे ने हमें जंगल दिखाया और है। ये हमें दिन में तारे दिखा रहा है, क्या करें यार? मेरे पास एक आइडिया है, हम क्या? इसे आसमान दिखाएंगे, अप इन द स्काई। हो गया क्या? हाँ, हो गया। चल, बता, ऊपर कौन? अबे कहाँ गए वो? चलो। उसका कुछ पता चला? वो बहुत डेंजरस है, फोन भी नहीं उठा रहा है। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ और मेरे आदमी भी ट्राई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है तू मेरी बात को हल्के में ले रहा है। नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दो। मेरा काम कर वरना अपनी बेटी को खो देगा। मेरी बेटी को कुछ मत करना प्लीज प्लीज। क्या हुआ, फिर से भागने का प्लान कर रही हो क्या? मुझे तुम्हारे साथ चलना बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। तो फिर आगे चलो। वाओ नाइस अराबचिक। ये सब बोलकर तुम मुझे और भी इरिटेट कर रहे हो, अब मैं उल्टा चलूंगी। ओके Where are you? Hello? Hello? अब तुम आगे चलो, मैं पीछे चलूंगी। चलो जल्दी।
आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खा लीजिए वरना आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। मुझे मेरी बेटी की याद आ रही है, इसलिए भूख नहीं लग रही। जब तक बेटी ऐश्वर्या घर वापस नहीं आ जाती, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, प्लीज सुनिए। तो अब मुझसे नहीं चला जाता, मैं बैठूंगा, तुम जाके ढूंढो। बाप रे, मर गया रे। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो, अम्मा पता नहीं कितना चलाएगा आज मुझे। बाप रे, कॉफी। ऐश्वर्या के बारे में कुछ पता चला? आप ऐश्वर्या की चिंता छोड़ दीजिए, उसे बंगारप ले आएगा। क्या कहा? वो हमारी ऐश्वर्या को लाएगा? पर वो तो हमारा दुश्मन है, हमारी ऐश्वर्या उसके साथ सेफ कैसे रहेगी? आप लोगों ने ऐश्वर्या को दूसरे खतरे में डाल दिया है। जाइए, मेरी ऐश्वर्या को लेकर आइए। हैदराबाद का रास्ता बताए। दारू और चखने का कॉम्बिनेशन बहुत हो गया, आज थोड़ा स्वीट हो जाए। स्वीट क्या, स्वीट जैसी बेबी तो सामने है। क्या रे स्वीटी, कहाँ भाग रही है? चल जरा। अविनाश, अविनाश, तेरी तो अविनाश। जंगल में जानवर रहते हैं, इंसान नहीं।
सॉरी सर। कौन हो तुम लोग? हम दोनों लवर्स हैं सर। कुछ गुंडे हम दोनों के पीछे पड़े हुए हैं सर। हम दोनों रास्ता भटक गए। कहाँ तक भागोगे और कब तक भागोगे? अगर हम मिल गए तो हमें मार डालेंगे। मरने के डर से अपने प्यार को मारोगे? ये लो इसके गले में पहनाओ। पहनाओ? हमारे पेरेंट्स हमें मार देंगे। देखो भाई, सैनिक और प्रेम करने वालों को डरना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो इसे पहनाओ। चलो। शाबाश, ये लो, तुम्हारे काम आएगा। कोई बात नहीं, रखो। ये कार्ड लो, मेरे फ्रेंड का है, ये उसका नंबर है। एक फोन घुमाओगे तो फुल मीडिया सपोर्ट मिलेगा। तुम्हारे पेरेंट्स तो क्या, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट ब्रदर। थैंक यू सो मच। इसका अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, चलो चलो, बाय। ये कैसी आवाज है? जंगली सुअर जैसी आवाज है। ये तो बाजू में ही सोया है। मेरी किस्मत फूट गई इसके चक्कर में। ए, 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 सुबह सुबह सांप को कॉफी देनी चाहिए, तुझे पता नहीं है क्या? जा ले करा। तेरी तो? ये दुबई का बादशाह तेरे लिए कॉफी लेके आएगा? भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे डायमंड्स ढूंढने में मेरी मदद कर, और मैं तेरी जीप ढूंढने में मदद करता हूँ, प्लीज। सॉरी भाई, मैं भूल गया था। ये बताओ जीप कहाँ है? उन लड़कों में से एक भी मिल जाए तो जीप मिल जाएगी। तीनों मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सुनो, वो मुझे देखते ही भाग जाएंगे। एक प्लान बनाते हैं, हम लोग साइलेंटली खड़े हो जाएंगे। चल। इस जंगल में कहाँ चले गए ये लोग? संभाल के भाई, वो सामने आए तो हम मुड़ जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। चलो इनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता क्या है? मेरी जीप कहाँ है? कैसे हो चाचा, अपने भतीजों को पहचाना नहीं? हमें भूल गए क्या? ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। ये तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? कोई भी मिल जाए तो ये लोग रिश्ता जोड़ देते हैं। जीप कहाँ है? हाँ जीप का है। बच्चों की तरह क्या जीप जीप बोल रहे हो? जंगल में लेकर आए थे पर उसका पेट्रोल खत्म हो गया। किधर बात होगी? अरे उसमें मेरा कुछ सामान पड़ा है, उससे मेरी मीठी यादें जुड़ी हैं। तू चुप करेगा? 5 मिनट पहले की बात तो याद रहती नहीं है और मीठी यादों की बात कर रहा है। जीप कहाँ है? अरे इसी जंगल में कहीं खड़ी है। जंगल में कहाँ है? जंगल में कहाँ है कैसे बताएं? इसको बताना यार। जंगल में दौड़ कर आए हैं इसीलिए हम जीप लाना भूल गए। अरे आइडिया आया, उस तरफ भागे तो याद आएगा। करेक्ट। आप बस 1 2 3 गिनो, हम जाके आते हैं। 1 2 3 चलो। देखा कितना अच्छा भागते हैं। अब तो मेरी जीप भी मिल जाएगी और तुम्हारे डायमंड्स भी। अरे भाई इतनी देर पहले भागे, अभी तक आए क्यों नहीं? उन्हें अभी तक आइडिया नहीं आया होगा। उन्हें आइडिया किसने बताया? मैंने। तेरी तो। अब क्यों मारा? शांति से चल। हमेशा मारता रहता है। इस टाइम मैं यूएस में सो रही होती और अभी मैं जंगल में हूं। मैं बचपन से आज तक कभी भूखी नहीं रही हूं। अविनाश, मुझे बहुत भूख लगी है। सॉरी आशु, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। Let's go.
वाह, तुम तो बहुत लकी हो, यहाँ तो इतना सारा खाना भी है। फॉरेस्ट वाले हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे? आने दो, मैं उन्हें कह दूंगा कि प्लीज मेरी ऐशु को डिस्टर्ब मत करो, उसे खाने दो। थैंक्स। और किस किस को किडनैप करना है, कितना डिमांड करना है, यही सोच रहे हो ना? मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उन दोनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उन्हें इस तरह फोटो में देखना पड़ रहा है उस बंगारप्पा की वजह से। लक्ष्मी, तुम्हें क्या चाहिए? गाड़ी, बंगला, सोना, क्या चाहिए? मेरा नाम ही लक्ष्मी है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं। आज आप बहुत खुश हैं, कोई लॉटरी लगी है? अपने खेत में ये पत्थर मिला? पत्थर मिलने से ऐसे खुश हैं जैसे कोई खजाना मिल गया हो आपको? अरे पागल, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ग्रेनाइट पत्थर है, सोने से भी बहुत ज्यादा कीमती। अब हमारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। तकलीफें दूर करने के लिए पहले बेटे को काम करने दीजिए। कोई जरूरत नहीं, अब उसको काम धंधा करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो वो खुद 100 लोगों को काम देगा। अब हमारा बेटा करोड़पति बन गया है, समझी? इस बारे में किसी को बताना मत। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लक्ष्मी, तुम भी पास में आके बैठो। यहाँ लक्ष्मी नहीं, मैं हूँ। कौन हो तुम लोग? दुर्जन, दुर्जन प्रताप सिंह बंगारप्पा। क्या चाहिए? पत्थर जो तेरे हाथ में है। ये नहीं, तेरे खेत में जो ग्रेनाइट है वो चाहिए। मैं नहीं दूंगा। तो बेच दे। नहीं बेचूंगा मैं। जानता था, इसलिए मैं पूरे इंतजाम के साथ आया हूँ। जरा दे। बाय। चल दस्तखत कर। मैं दस्तखत नहीं करूंगा। नहीं, आप दस्तखत मत करिए, चाहिए मेरी जान ले ले। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। कंप्लेंट करेगा? मुझे ना बहुत डर लग रहा है, ये देख मेरी कंप्लेंट करेगा। डर क्या होता है मैं तुझे बताता हूँ। छोटे। हाँ भाई। तुझे पता है अभी यहाँ क्या होने वाला है? नहीं भाई। हेलो मम्मी, हेलो पापा। पापा, पापा, पापा उठो प्लीज, पापा। मम्मी, आ क्या कर रहे हो? मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, मम्मी कुछ तो बोलो। आ
सिर्फ तुम्हारे पिताजी जानते हैं कि वो कहाँ है। मैंने उनसे कई बार पूछा, उनकी गर्दन पे चाकू भी रखा, फिर भी नहीं बताया। जरूर बताएंगे, मेरे डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था, इसलिए तुमसे दूर भाग रही थी, लेकिन अब नहीं भागूंगी। कहाँ गए होंगे वो? अपना फोन दे। फोन। चलो उधर देख। हेलो। हाँ हाँ हाँ, समझ गया, मैं आ रहा हूँ। ना पैसा है ना खाने को कुछ है, मैं आ रहा हूँ, टिकट बना। कौन है भाई? घर वाली? दुबई वाली। ये ले। पता नहीं ये शनि कहाँ से लग गया मुझे। ये आदमी तो पूरा का पूरा पागल निकला। एक तो दुबई जाने की सेटिंग कर ली, ना तो इसकी जीब है, और इसके जो डायमंड्स हैं वो भी मेरे। हेलो। एक मिनट, कौन है? बात करो। हेलो ऐश्वर्या, आप? तुम डरो मत, तुम्हारे चाचा आ रहे हैं। मैं खुद आ जाऊंगी अविनाश के साथ। पर वो तो किडनैपर है ना? नहीं, ये किडनैपर नहीं है। डैडी की वजह से इसकी फैमिली भी मारी गई है। ये अच्छा है या बुरा मुझे पता नहीं, लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है। मैं तुम्हें दिलासा देना चाहती थी और तुमने मुझे ही समझा दिया। संभल कर रहना, ध्यान रखना। बाय। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे आशु। आज मेरा बर्थडे है, ये बात तुम्हें किसने बताई अविनाश? एक प्यार करने वाला अपने लवर के बारे में हर एक बात जानता है, वैसे मैं भी जान गया। उस दिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था, तभी मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा बंगारप्पा को जानते हैं। मैंने उनसे बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। मुझे पता था तुम यूएस जाने के बाद वापस नहीं आती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया। मैंने सोचा वो तुम्हें खोने के डर से सच बता देंगे, लेकिन मैं तुमसे प्यार कर बैठा। आई लव यू, आई लव यू आशु। इधर ला जल्दी। अब नहीं भाग सकता, नहीं भाग पाऊंगा मैं। मैं भी नहीं भाग पाऊंगा। उस लड़की को हमें वापस करना ही पड़ेगा, और इस किडनैपिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अविनाश को भी नहीं जानता, उस लड़की को भी। सर, हमने ऐश्वर्या को किडनैप नहीं किया है। तो मैंने कब कहा कि तुम लोगों ने किडनैप किया? थैंक यू सर, हमने सच में आपकी बेटी को किडनैप नहीं किया। बता ऐश्वर्या का। सर हम कह रहे हैं ना, हमने नहीं किया। अरे भाई एक मिनट रुकना। सर हम सच कह रहे हैं, हमने उसका किडनैप नहीं किया। तुम लोग इतने खतरनाक हो गए, अगर पता होता तो उसे दिन खत्म कर देता। जब तक ये बताए नहीं मारते रहो।
ए, कुछ याद आया ऐश्वर्या कहाँ है? बोल ऐश्वर्या कहाँ है? चाचा। तुम डरो मत ऐश्वर्या, ये अपने ही लोग हैं। शाबाश बंगरप्पा, तुमने उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया। शाबाश। लेने आया है? हाँ लेने ही आया हूँ। तो ले जा। बंगरप्पा। सुन, तेरी भाई की बात मानकर पागलों की तरह से ढूंढ कर इसे यहाँ लाया हूँ, तेरे और तेरे भाई के डर की वजह से नहीं। अब ये तुझे तभी मिलेगी जब मुझे तुम्हारी आधी जायदाद मिलेगी, वरना ये लड़की मेरे भाई की, समझो। अपने भाई को बता देना। वो देख अविनाश पड़ा है। अविनाश, 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 उठ यार। अविनाश, 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 क्या हुआ तुझे? उठ यार। अविनाश, अरे आँख खोल ना यार। अविनाश आँख खोल। अविनाश, अरे अविनाश, अविनाश, ऐशु, ऐशु, ऐश्वर्या। अरे गुंडे उसे ले गए यार। अरे यार, वो बंगारप्पा, दुर्जन ठाकुर। बंगारप्पा, ये बंगारप्पा कौन है? वही जिसने मेरे माँ बाप को मारा। सॉरी भाई, हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तू उठ यहाँ से। चल 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 यार, उठ। ए, जबान संभाल कर बात कर, वरना तेरी जबान खींच लूंगा। बहुत मजा आ रहा है। प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ऐश्वर्या को वापस कर दे। अभी तो तूने कहा कि तू मुझे मार देगा, अब तू मुझसे भीख मांग रहा है? मेरी बात का यकीन कर, तुझे जितना हिस्सा चाहिए मैं तुझे देने को तैयार हूँ। प्लीज ऐश्वर्या को छोड़ दे। यस, डील ओके। मेरी बात सुन, आधी जायदाद मेरे नाम कर और आधी तेरे दामाद के नाम पर। क्या दामाद? हाँ दामाद। कौन है वो? मेरा भाई। तेरा भाई? ए ए ए ए बंगरप्पा, ए तेरी तो ए। साइन करने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए। इस दुनिया में मेरी बेटी से बढ़कर और कुछ नहीं। मेरे पापों का फल मेरी बेटी को ना मिले। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये पैसे उसके मुंह पे मार देना। गन क्यों? उस पे भरोसा नहीं। बंगारप्पा ने कुछ ऐसा वैसा किया तो वही ठोक दूंगा। भैया, मैं भी चलता हूं। पिछले 20 सालों में हमेशा मैं ही तेरे पास आया हूँ, पहली बार तू मेरे पास आया है। अच्छा लग रहा है। ए, माल ले और मेरी बेटी वापस दे। ए, मेरे पास आ। मुझे पता था तू कुछ ऐसा ही करेगा, इसीलिए मैं रेडी था। Oh!
बाहर आप उनके आदमियों को कोई मार रहा है भाई। कौन है वो? अविनाश। कौन है तू? मैं राज का बेटा हूँ। याद नहीं आ रहा है? एक ग्रेनाइट पत्थर के लिए तूने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। मैं उसी मलापुरम राज का बेटा हूँ। अब याद आया तुझे? ए, मैंने न जाने कितनों को मारा, उसमें तेरे बाप का नाम होगा ये नहीं पता। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे, मैं अपनी सारी की सारी जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। कॉम्प्रोमाइज कर लो प्लीज। प्लीज मत मारो, मत मारो। मैं तुम्हारे बेटी, तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रही हो मुझे अच्छी तरह से पता है। अब तक जितने भी पाप मैंने किए हैं मैं उनका प्रायश्चित करूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। मैं भी भैया, तुम मेरी बेटी के लिए सही हो, मुझे मालूम है तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। मुझे माफ करना बेटी, मैं अब बदलने की कोशिश करूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा। डोंट मूव। इसे गोली किसने मारी? इस टकले को किसने मारा? मैंने। ओके ओके ओके। चल चल, कौन जा रहे ला? मेरे दिल में पहले ही फीलिंग आ रही थी सब सही हो जाएगा। ए, चल तू गाड़ी स्टार्ट कर। अब जाके संतोष मिला। जय संतोष जी माँ। अरे ये क्या है भाई? इन डायमंड्स में हम हिस्सा कैसे करेंगे? जल्दी से बता यार। ये वाला डायमंड मैं रखता हूँ और ये वाले डायमंड्स तुम लोग बांटो। अरे डायमंड्स मिल गए।